और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनावों से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे सिंदरी खाद्य कारखाने का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे धनबाद में एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री देवघर से डिब्रूगढ़ और टाटा बादाम पहाड़ की 2 नई ट्रेनें और शिवपुर स्टेशन से लॉन्ग हॉल मालगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही जनसभा के जरिए झारखंड में लोकसभा चुनावों का शंखनाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर में प्रधानमंत्री के स्वागत में बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। अब आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं कि आज प्रधानमंत्री झारखंड में किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्या कुछ सौगातें देने जा रहे हैं। धनबाद में सिंदरी खाद्य कारखाना 8,939 करोड़ की लागत से यह बनाया गया है, जनता को संबोधित कर आज समर्पण भी करेंगे। टोरी शिवपुरी के बीच तीसरी रेल लाइन 894 करोड़ की लागत से बनाई गई है। रामगढ़ में CCL के नॉर्थ अरमर CHP साइलो 293 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। बोकारो थर्मल स्टेशन में रेट्रोफिटिंग पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन, इसके अलावा 459 करोड़ की ये परियोजना है। चतरा में यूनिट 1 660 मेगावाट नॉर्थ कर्णपुरा STPP 7,526 करोड़ की लागत से ये परियोजना बनाई गई है। टोरी शिवपुर प्रथम और द्वितीय और बीराचोली शिवपुरी के बीच 37.9 किलोमीटर तीसरे रेल लाइन की परियोजना है, जो 3200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। मोहनपुर हंसडीहा 38.110 किलोमीटर की ये नई रेल लाइन है, 753 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि आज प्रधानमंत्री झारखंड में किन किन परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधान खंता पाथरडीह बाजार, भोजूडीह रेल लाइन दोहरीकरण, ये सौगातें जो है प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। जो 17.10 किलोमीटर लंबी रेल लाइन होगी, 350 करोड़ की लागत से तैयार की जा रही है। धनबाद चंद्रपुरा रेल मार्ग के जमयूनिया टाड़ चंद्रपुरा के बीच 8 किलोमीटर लंबा जो रेल मार्ग है उसका दोहरीकरण 167 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। 28 किलोमीटर लंबे धनबाद चंद्रपुरा वैकल्पिक रेल मार्ग की परियोजना भी है, जिसे 479 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। सोनगर अंडाल के बीच 305 किलोमीटर तीसरी और चौथी रेल लाइन जो 12,334 करोड़ की लागत से बनाई गई है। पतरातु टोकीसुद के बीच 7.2 किलोमीटर रेल ओवर रेल लाइन जो है इसे तैयार किया गया है, 138 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इसके अलावा कुजू रांची रोड के बीच 7.27 किलोमीटर वाई कनेक्शन रेल मार्ग जो है वो बनाया गई है, जो 143 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे आरामबाग में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 4:15 बजे आरामबाग में एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। रात को पीएम मोदी कोलकाता में राजभवन में रुकेंगे और अगले दिन कृष्णनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने जा रहे हैं। 2 दिनों में 15,000 करोड़ रुपए की सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल को देने जा रहे हैं। संदेश खाली में जो कुछ हुआ है उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पश्चिम बंगाल दौरा अपने आप में अहम हो जाता है। कल कृष्णानगर में भी एक रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संबोधित करते नजर आएंगे। अब आपको ग्राफिक्स से जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम बताते हैं, शेड्यूल क्या रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिनों के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। सबसे पहला क्या कार्यक्रम रहने वाला है ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं। हुगली के आरामबाग में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
विकास परियोजनाओं की सौगात आज देने जा रहे हैं। तो दो दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा हुगली में आज विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। 7200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। हुगली के आराम बाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में राजभवन में रुकेंगे। कल पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा होगी। प्रधानमंत्री 15,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। ऐसे में खास इंतजाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तो किया ही जा रहा है, लेकिन कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पश्चिम बंगाल को देने भी जा रहे हैं। क्योंकि संदेश खाली में जो कुछ हुआ है, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा पश्चिम बंगाल में खासा अहम रहने जा रहा है। कई विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल को देने जा रहे हैं। ऐसे में दो दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने जा रहे हैं।